खराब फॉर्म से जूझ रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल प्लेऑफ में अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी, जिनके लिए खुद ये मुकाबला करो या मरो वाला है। इन दोनों टीमों को अपने पिछले मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां एलएसजी को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के हाथों 47 रन से मैच गवाया था। ऐसे में दोनों टीमों के ये कोशिश रहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा जाए। फिलहाल लखनऊ और दिल्ली की टीम के 12-12 पॉइंट्स हैं। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की धीमी बैटिंग और खराब फॉर्म एलएसजी की सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है, जिसके चलते मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा टीम के गेंदबाजों ने जिस तरह से एसआरएच के खिलाफ पिछले मैच में रन लुटाए थे, ऐसे में टीम को जरूरत है कि वे अपनी बॉलिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। दूसरी तरफ एक मैच का सस्पेंशन झेलने वाले कप्तान ऋषभ पंत की वापसी से दिल्ली की टीम को मजबूती मिलेगी। टीम को सुपर जायंट्स के खिलाफ फील्डिंग में सुधार करना होगा, क्योंकि डीसी ने आरसीबी के खिलाफ कई कैच टपकाए थे। इसके साथ ही टीम के टॉप ऑर्डर को अच्छी शुरुआत देनी होगी।